हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ हाशिम और आज के इस वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन को देखेंगे वो एक गेम की एप्लीकेशन है जिसका नाम है रोजमेरी फेथ चैप्टर 1। और ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप चाहें से वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। 4.2 स्टार की इसे रेटिंग मिली हुई है और साइज़ है इसका 16 MB। स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, ROSE रोज़, MARY मैरी रोजमेरी, फेथ FATE फेथ, ठीक है, रोजमेरी फेथ चैप्टर 1। तो हम इस गेम को खेलना स्टार्ट करें उससे पहले इस गेम के बारे में ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ। तो इस गेम को आप ईयरफोन लगा के ही खेल सकते हैं, तो ज़रूरी है ईयरफोन लगाना। और जब आप ईयरफोन लगाएं तो ये कंफर्म कर लें कि आपने सही ईयरफोन लगाए हैं, यानी सीधे कान में सीधे कान के ईयरफोन और उल्टे कान में उल्टे कान के ईयरफोन, ठीक है। और स्टार्ट जब हम इस गेम को करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का इशू है, तो आप किसी साइटेड की हेल्प लोगे तो भी अच्छा रहेगा इस गेम को बस स्टार्ट करने के लिए, और या तो फिर खुद ही टैप कर करके इसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और गेम जो है वो मिस्ट्री और एडवेंचर वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो ये एक कहानी एक ऐसी लड़की की है, मैरी नाम की, जो अपनी माँ को ढूंढ रही है, ठीक है। और इस सब में उसका दोस्त टॉमस उसकी हेल्प कर रहा है, और जैसे तैसे ये लोग पता करते हैं और कुछ जो मैरी के रिश्तेदार रहते हैं उनको ढूंढते हैं और उनसे बात करते ही रहते हैं। तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है और जो घोस्ट हैं, स्प्रिट्स हैं, वो मैरी को उठा के ले जाते हैं। और अब टॉमस उसे बचाएगा और वो टाइम में पीछे भी चला जाता है, वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले। और फिर वहाँ पे क्या होता है और कैसे वो वापस आता है और गेम में आगे क्या होगा, तो वो हम गेम में ही देखेंगे, ठीक है। तो गेम स्टार्ट करता हूँ मैं। Rosemary's Fate Chapter 1. Launcher 3. Rosemary's Fate Chapter 1. और फ्रेंड्स, अपना टॉकबैक आप सस्पेंड कर लेना क्योंकि ये सस्पेंड करके ही इसे खेला जा सकता है टॉकबैक को। तो इस गेम में जो है स्टार्टिंग में तीन ऑप्शन हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन है कंटिन्यू गेम, तो जैसे अगर आप आगे के लेवल पे पहुंच चुके हो गेम के और आपको वहां से कंटिन्यू करना है तो सबसे पहला ऑप्शन वही है, उस पर क्लिक करके आप जहां से आपने गेम छोड़ा है वहीं से खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है न्यू गेम का, आपको गेम अगर फिर से लगाना है या रीस्टार्ट करना है तो न्यू गेम पे आप क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ट्यूटोरियल का, तो अगर आप ट्यूटोरियल से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस पर जा सकते हो, लेकिन जब हम गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें ट्यूटोरियल देता है खेलने के लिए, ठीक है। तो या तो आप साइटेड की हेल्प ले सकते हो या तो फिर टैप कर करके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये जो ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ ये सब स्क्रीन के बीचों बीच हैं, सबसे ऊपर है कंटिन्यू गेम, उसके नीचे न्यू गेम और उसके नीचे ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ऐसे अंदाजे से स्क्रीन पर फिंगर रखते रखते अगर आप आओगे तो उस पर क्लिक हो ही जाएगा, और जब एक दो बार अगर आप कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगी कहाँ पर है वो, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे न्यू गेम पर। Thomas is going to call Mary, but first, he needs to turn off the music. Press up arrow to go ahead. तो देखिए, इसमें हमें टास्क दिया गया है पहले ट्यूटोरियल हमें सीखने के लिए कि इस गेम को चलाना कैसे है। तो सबसे पहले इसमें जो है टॉमस है वो मैरी को फ़ोन करना चाहता है, तो लेकिन फ़ोन करने के लिए सबसे पहले उसे म्यूज़िक ऑफ़ करना है, ठीक है। तो हमारा यही टास्क है, पहले तो म्यूज़िक ऑफ़ करना है। तो उल्टे हाथ तरफ
चार एरो बने हैं चारों दिशाओं में, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे, एक उल्टे हाथ तरफ और एक सीधे हाथ तरफ, चारों दिशाओं में। और इससे ही हम अपना प्लेयर कंट्रोल करेंगे, उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाएंगे, ठीक है। सीधे हाथ तरफ एक बटन बना हुआ है जिससे हम चीज़ें उठाएंगे, दरवाजे खोलेंगे और उन्हें बंद करेंगे। तो ये दोनों बटन हैं, नीचे हैं, उल्टे हाथ तरफ है एरो, ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने कैरेक्टर जो प्लेयर है उसे यहाँ वहाँ ले जाने के लिए। और सीधे हाथ तरफ बटन बना हुआ है चीज़ें उठाने रखने और गेट खोलने और बंद करने के लिए, ठीक है। और स्क्रीन के दोनों कोनों में ऊपर एक तरफ स्किप बटन है, जैसे अगर इसमें जो छोटे छोटे डायलॉग्स रहते हैं उन्हें स्किप करना हो तो आप उन्हें कर सकते हो। सीधे हाथ तरफ ऊपर है कोने में स्किप। उल्टे हाथ तरफ होम स्क्रीन पर अगर जाना है वापस तो आप उस पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो, ठीक है। तो हम इस ट्यूटोरियल को देखेंगे और इस ट्यूटोरियल को कम्प्लीट करेंगे। Press right arrow to turn right. Now, press space again. Now, press left arrow to turn left. तो हमें यहाँ पे टास्क दिया गया था रेडियो ऑफ करने का, तो पहले उसके पास जाना था और उसे ऑफ करना था। तो जब भी हमें कोई टास्क कंप्लीट करना, जब स्पेस बटन का काम होगा, ये जो बटन दिया गया है, तो एक म्यूज़िक बजेगा, उसके बाद ही इस बटन का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो वहाँ से बिल्कुल म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है वहाँ पे पहुँच के और फिर एक साउंड आएगा तो आपको ये बटन दबानी है, तो फिर वो एक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमने म्यूज़िक बंद कर दिया है, अब हम लेफ्ट में मुड़ेंगे पहले तो। ओके, प्रेस डाउन एरो टू गो बैकवर्ड्स। और अब नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे का एरो दबाता हूँ मैं। कंग्रेचुलेशंस, You have completed the tutorial. अब जो यहाँ पे स्टोरी बताएंगे तो आप लोग स्टोरी सुनिए। Hi, Thomas. Hi, Mary. I think I found something. You mean something about my mother? Not exactly, but that photo you gave me, it's definitely from Poland. Late 30s, just before World War II. From Poland? And one of those women. I'm almost sure she was your great-grandmother. How? How do you know? Sorry, but I'm a little shocked. Yeah, sure, I understand. Let's meet ASAP. I will explain everything. Okay, give me a few minutes. I'm coming. You see that front door? This is a building of a former Owinski mental hospital. So, these people, they are patients? They were. The photo was taken in 1938, a year before World War II. In 1939, Nazis invaded Poland and killed all the patients during so-called Life Not Worth Living, T4 Action. Oh my god, terrible. Yes, but somehow your great-grandma survived, or her missing child. Owinska Village, Cistercian Convent Library, the 3rd of November, 2019. Mary, please meet Ellen and Mark.
They found a trace to your only known ancestor. Hi. Hi. Nice to meet you. 2 hours later. That woman, third on the left. She is definitely your great-grandmother, Sara Virvitsky. We have the same photo in our files. Ellen will bring it in a minute. I've got it. Here. That photo is not the same. Who's that child next to my great-grandma? Those faces, plants, clothes, everything on both photos is exactly the same. Everything except the little girl. I don't understand. It's impossible. What's going on? The photo you gave me. Something. चलो अब गेम स्टार्ट होगा और हमें दौड़ के सीधे ऊपर वाले दबा के दौड़ के भाग के जाना है और कमरे में घुसना है और गेट बंद करना है। थॉमस, रन अवे! भागो जल्दी। ये म्यूजिक आया, अब जल्दी से गेट ओपन करना है। चलो अब देख लेते हैं कि अब तक क्या हुआ। तो स्टोरी मैंने आपको वैसे थोड़ी बता दी थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैरी अपने दोस्त थॉमस को एक फ़ोटो देती है जिसमें उसकी दादी और उसकी माँ हैं, ठीक है। तो उसकी दादी हैं और उसके साथ एक छोटी बच्ची हैं। तो मैरी पता लगाना चाहती हैं कि उसकी माँ कहाँ है, और वो थॉमस वो फ़ोटो लेके जाता है और पता करता है। तो वो फ़ोटो जो है पोलैंड की होती है, पोलैंड के जो एक मेडिकल हॉस्पिटल रहता है वहाँ की, और वर्ल्ड वॉर से पहले नाजी ने वहाँ पे अटैक करके वहाँ के सारे पेशेंट को मार दिया था। तो ऐसे ही ये पता करता है थॉमस, और उससे मिलते हैं मैरी के सिस्टर्स, उसके रिश्तेदार। उनके पास भी एक फ़ोटो रहती है वैसे ही सेम, लेकिन दोनों फ़ोटो में वो जो बच्ची रहती है वो अलग अलग रहती हैं। तो ये लोग बात करते ही हैं कि तभी वहाँ पे भूतों का हमला हो जाता है और वो मैरी को पकड़ के ले जाते हैं, और अब थॉमस उसे बचाने जा रहा है, ठीक है। इसके पहले वाला जो लेवल अभी हमने भाग के क्लियर किया था, छोटा सा लेवल था, लेकिन ये है कि उसमें अगर थोड़ी सी भी देर होगी तो आपका प्लेयर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आप कंट्रोल स्टार्ट हों आपके, तो भाग के जाना है, सीधे ऊपर वाला एरो दबाना है, और गेट के पास जाते ही म्यूज़िक बजेगा, गेट खोल के उसमें घुसना है, ठीक है। तो अब सेकेंड लेवल है, इसमें जो है हमें पहले तो खिड़की बंद करनी है और एक दरवाज़ा ढूंढ कर उसके अंदर जाना है, ठीक है। तो आवाज़ सुनते रहना है ईयरफोन में, और आवाज़ के पीछे पीछे जाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को। जब ये आगे बढ़ ना पाए तो दाएं या बाएं मोड़ना है, ठीक है। सीधा तरफ मोड़ता हूँ मैं से। I should rather go towards the windows.
I should rather go towards the windows. I should rather go towards the windows. I should rather go towards the windows. करंट लगा तो करंट से बचना है। खिड़की पास आ गए तो बंद करनी खिड़की, ये कर दी खिड़की बंद। ठीक है अब चलो आगे। थॉमस हियर। मैरी अब यहाँ पर रस्सी की आवाज़ सुन के उसके पास जाना है। रस्सी जैसी आवाज़ आती है वहाँ पे एक औरत है, उससे बात करनी है हमें। ठीक है और फिर जो है इस लेवल को पार करेंगे, एक आवाज़ आती है उसके पीछे जाना है और उससे फिर हम चले जाते हैं टाइम में पीछे 1938 में। बस जो आवाज आ रही है उसके पीछे जाना है। उल्टे हाथ तरफ मोड़ेंगे हम।
here. Wait, 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 please, please. I'm not a... अब यहां से हम खेलना स्टार्ट करेंगे। नाजी ऑफिसर हमें जहां बुला रहे हैं वहां जाना है और ये हमें मारने के लिए ले जा रहा है। सीधे गए पहले हम, अब लेफ्ट में मुड़ेंगे एक बार फिर सीधे चलेंगे और ये आवाज आए तब हमें लेफ्ट में मुड़ना है और दीवार तोड़नी है एक स्पेस बटन से। ठीक है, उसके पीछे चलते रहते तो वो मार देता है। The portal brought me to the Second World War. I have to find a way out. This cat seems to be helping me. बिल्ली के पीछे चलना है। सीधे जाएंगे पहले हम। ये आवाज आए तो ये स्पेस बटन दबानी है तो ईंटें हटाएगा। अब सीधे चल देंगे। अभी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है तो राइट में मुड़ना है और फिर उससे बात करनी है स्पेस बटन दबा के। भागना है यहां से। तो फ्रेंड्स, ये टाइम पोर्टल के जरिए दूसरे टाइम पीरियड में आ गया है और अब हमें बिल्ली के पीछे पीछे चलना है। और इसमें आपको एकदम सही मोड़ लेने हैं क्योंकि अगर आप गलत जगह मोड़ गए तो वहीं पे गोल गोल घूमते रहोगे।
storm route in natural darkness. I can't see anything through the window. और यहाँ पर एक चमगादड़ आता है, तो आपको जैसे ही आवाज़ सुनाई दे तो बिल्कुल सीधे नहीं जाना है, नहीं तो आप गड्ढे में गिर जाओगे। राइट लेना है और फिर सीधे जाना है। There are plenty of junk here that block the passage. Maybe I can pull them apart. जैसे वो आवाज़ सुनाई दे साउंड, फिर एक बार लेफ्ट में लेना है और फिर ये एक गेट है उसे खोलना है और अब फिर सीधे जाएंगे हम। चलो अब सीधे चलेंगे, इसमें जो आवाज़ आ रही है उनके पीछे पीछे चलना है। Thick layer of dust, they probably remember the times of war. यहाँ पे हमें एक दीवार के पास जाना है। ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको ईयरफोन में, इसके पीछे पीछे चलना है। Through this wall. I need a solid tool to punch a hole in here. I think I saw a hammer among the tools that would be useful here. अब इसे यहाँ पे एक दीवार तोड़नी है और उसके लिए चाहिए हथौड़ा, और वो हमें ढूंढ के लेके आना है यहाँ वापस, तो चलते हैं उसे ढूंढने। I'll try to break through this wall. I need a solid tool to punch a hole in here. I think I saw a hammer among the tools that would be useful here. Oh!
चलो यहाँ हथौड़ा मिल गया, ये आवाज़ सुन के आ जाना आप, एक यहाँ पे मेटल की आवाज़ आती है और फिर अब ये बटन दबाएंगे हम, जिसमें स्पेस बटन कहते हैं, राइट में बटन है। That hammer should do the job. और अब चलेंगे दीवार के पास। I won't go this way anymore. तो जो ये गेम है इसका चैप्टर वन यहीं ख़त्म हो चुका है और अब हमें इंतज़ार करना है चैप्टर टू का, जब वो रिलीज़ होगा और फिर हम जान पाएंगे कि इसकी कहानी में आगे क्या होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया है लास्ट तक ये गेम खेलते हुए, पर बीच में कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं क्योंकि आप खुद ही वो रास्ता ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम गेम खेलते ही इसलिए हैं ताकि उसमें हम कुछ अचीव कर सकें, इन्जॉयमेंट रहे, टाइम पास हो हमारा, ठीक है। तो कोई भी अगर परेशानी हो तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और ये गेम मैंने पूरा बिना ईयरफोन के खेला है, ठीक है, लेकिन आपको ईयरफोन के साथ इस गेम को खेलना है। तो ये वीडियो होता है ख़त्म, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उन लोगों से जिन्हें अब तक नहीं किया। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।